माना कि तेरा शहर में सानी भी नहीं है, इस बात की मुझको परेशानी भी नहीं है, फिर क्यों लगाए बैठे हैं स्विस बैंक से उम्मीद? दौलत जो वहाँ है यहाँ आनी भी नहीं है। अभी तक कहाँ से दिलाई जा रही लो फिर आ रहे वासी चौधरी। चेहरों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज आप और हिबा तो मैचिंग करके आए हुए हैं। क्या उन्होंने आपकी स्कर्ट पहनी है या आपने उनका मफलर? जो उन्होंने पाया है यहोजियां ते चादरां मंजियां दे उत्ते विछियां ने। लगदा जिस कॉलेज चो पढ़दी सी ओते तुसी बच्चे रक्षे ते छड़न जांदे। ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, आपको समझ नहीं आएगा। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इस तरह दी कुड़ियां ना फ्रूट वाली दुकान तो जैमी जाके कहेंगे ये 3 किलो आम दे दें, दो दर्जने केले दे लें और थोड़ा सा धनिया भी डाल दें। वासे भाई बैंक से मैनेजर सी ठाकुर साहब। अच्छा जी। उन्होंने एक दिन बर्बाद ही कर देता, एक दिन बाद उसे गाना गई जान अग नोटा नू ला दे। तो पूरी अपने घर दे बुए के बैग रो रहे क्यों? मैं क्या किया? कहने बुआ नहीं खोलते। मेरे ख्याल बुआ खोलो मेहमान आए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर टूरिज्म और मेंबर एंटी करप्शन पंजाब भी हैं, जनाब मामून जाफर तारर। साथ देने की भाई दूसरी मेहमान जो कि उल्टा तरीके से काम कर रही हैं, पहले उन्होंने ड्रामे में काम किया, फिर फिल्म में काम किया और अब थिएटर करने चली गई हैं, मोहतरमा मीरा सेठी। माशाल्लाह जी, आज दोनों मेहमान बड़े खूबसूरत हैं और मामून जाफर साहब चंद एक जो खूबसूरत स्मार्ट पार्लियामेंटेरियन है उनमें से एक हैं। और मेरा शेर भी जो है वो आपके लिए है। सेठ बड़े देखे हैं हमने दुनिया में, सेठ बड़े देखे हैं हमने दुनिया में, अंदर से हर एक दिलशिल देसी है, अंदर से हर एक दिलशिल देसी है और आज हमारे सामने असली ते नस्ली बैठी हैं जो प्यारी सी मीरा सेठी। मीरा सेठी, मेरा शेर हिबा जी ताडे लई। तेनू मैं बहुत लभ्या सुबह शाम दोपहर दे विच, गली महल्ले हर शहर दे विच, ते कुल्ली नहर दे कंडे ते पा बैठा, क्यों चन्न टहलदा वेख के लहर दे विच, लहर दे विच। जो मोहब्बत की बात करे उसके कान के नीचे धर दो। अच्छा। खाली झोली आंसुओं से तुम भर दो, मुझसे बेवफाई करके शादी कर ली है मीरा, अब मेरी तस्वीरें मुझे वापस करो। कॉन्फिडेंस है आपके इस क्लेम के अंदर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक खैरियत से हैं जी, बिल्कुल अल्लाह का करम जी। जबरदस्त, कैसी चल रही है हुकूमत? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रही है जी, बड़ी ठीक चल रही है। तो हम लोग हैं भी रो रहे हैं। सर वो रोने वाली बात तो अब वैसे ही मेरे ख्याल से एक हाइप क्रिएट की गई, अदरवाइज तो बिल्कुल ठीक चल रही है। आदत पड़ चुकी हुई है ना हमें? नहीं आदत अभी नहीं पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, इसका मतलब काम ठीक ही नहीं होना। वैसे ये काम होनी ठीक होना है, काम होनी ठीक होना है, तो पहले क्या हो रहा था? आहिस्ता आहिस्ता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम ठीक होता जाएगा। यार ये मुझे एक बात बताए, जब भी आप लोग आते हैं यहाँ पे आप लोग बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, जबकि मैं इधर नजर दोहराता हूँ अपने आप को देखता हूँ तो हम लोग बड़ी टेंशन में, ऐसा क्यों है? मैं एक जिक्र करूंगा जी कि हर चीज ग्रेजुअली बेहतर होती है, जितने सालों का बैगेज है उसको ऐसा ऐसा टाइम लगेगा बेहतर होने के लिए। अब एकदम से तो आप ओवरनाइट चेंज नहीं ला सकते, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इंडिकेटर्स जो हैं इंटरनेशनल वो भी चीज़ें बेहतर, तो एक टाइम लगेगा इस मुल्क को अपने ट्रैक पर। आप माशाल्लाह पटरी पर चढ़ गए और इंशाल्लाह ये मुल्क चलो 50-60 साल के कर देना ठीक। अच्छा तो आडे होंदे ही ठीक हो जाएगा सर, जो तुम 50 साल ला देना तो टमाटर भी इंज दे हो जाने। मीरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह ये तो आपने एक अच्छा काम कर दिया
और मुझे एक बात बताएं, ये आप हर चीज उल्टा क्यों करती हैं? पहले आपने जर्नलिज्म और ये चीजें पढ़ी और आपने फिर छोड़ के उसके बाद एक्टिंग शुरू कर दी, फिर आपने जब एक्टिंग शुरू की तो आपने डायरेक्ट टीवी और फिल्म पहले कर ली और थिएटर बाद में किया, जो सबसे पहले करते हैं। अच्छा, तो ये क्या कि बचपन से मुझे नहीं पता था कि थिएटर सबसे पहले करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली थी। इस दफा मुझे पता चला कि जिया मोहियुद्दीन साहब शेक्सपियर का ड्रामा किंग लेयर उर्दू में कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने उनको फोन किया और मैंने किसी से कहा कि फोन उठा लेंगे, क्योंकि जिया मोहियुद्दीन साहब है, अननोन नंबर्स तो शायद नहीं उठाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं कर लो, आई हैव टोल्ड हिम कि एन एक्ट्रेस इज कॉलिंग यू, तो कर लो फोन। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा, अब ये 3 महीने पुरानी बात है, मैंने कहा जिया साहब, मेरा नाम मीरा सेठी है और मैं ऑडिशन करना चाहती हूँ आपके ड्रामे के लिए, किंग लेयर के लिए, लेकिन एक छोटा सा मसला है और वो ये है कि अभी 2 हफ्तों में मेरी शादी है। तो कहने लगे ऑलराइट। सो आई सेड जिया साहब, आई एम जस्ट वरीड, आई वांट टू ऑडिशन, बट द थिंग इज यू नो आई हैव टू गेट मैरिड इन द मिडल, राइट इन द मिडल। सो ही सेड अच्छा, तो आप ऑडिशन कर लीजिए, ऑडिशन में अगर आप कामयाब हो जाती हैं वेल एंड गुड, और अगर कामयाब नहीं होती शादी कर लीजिए। जिया साहब के साथ काम करना एक बहुत ही यूनिक और एक बड़ा ही ऑड एक्सपीरियंस है जी, क्योंकि पहले तो मुझे लगता है जिया साहब के सामने इंसान को समझ नहीं आती कि जुबान में बात करनी है, क्योंकि जिस किस्म के हम तीतर ना बटेर हैं, ना हमारी अंग्रेजी पूरी है, ना हमारी उर्दू पूरी है, ना हमारी पंजाबी पूरी है, और जिया साहब के यहाँ ये तीनों चीजें पूरी हैं। आप जिया साहब के साथ या तो सिर्फ अंग्रेजी में बात करें या सिर्फ उर्दू में। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ असी तो उन्होंने सामने जावांगे तो उस्मान बुज़दार हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा हमारे साथ। तो ये आपने कैसे मैनेज किया जिया साहब के साथ? नहीं किया ना, मैं उनके सामने बैठी हुई थी, सब उनके स्टूडेंट्स नेपा के, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के, तो वो तो जिया साहब के साथ 4-5 साल काम कर चुके हैं। अब मैं बैठी होती थी तो मैं कहती थी कि यहाँ से वो उधर चला गया, गया व्हाट इज गया, ओह अहले पंजाब, अहले पंजाब आपका क्या करेंगे, गया होता है गया। तो इस तरह उन्होंने मुझे, आपने नोट किया मैंने मसला कहा था, मसला नहीं कहा जी। हाँ, तो अब ये नई चीजें आप देखेंगे। आपने नोट किया कि हमारे शो पे जिया साहब कभी नहीं आए? आपका अगर गया और मसला जो है वो पकड़ा गया तो यहाँ तो हम मतलब शो ना ही करें, वो केले कर रहे होंगे। तुसी पंजाबी च गल करना तुसी ठीक रहोगे। नहीं मसला ये ना, वो असि पंजाबी च करने, असि ये मुसीबत च पेंदे नहीं, सानू ते 4 साल तो कह रहे कुछ करो, असि नहीं कर रहे। तुसी कह नहीं रहे सो कि तुसी कोई मूवी लिखी है इंग्लिश च? हैं हां जी, ठाकुर साहब कह रहे, ठाकुर साहब ने लिखी है। ठाकुर साहब ने क्या किया? उन्होंने इंग्लिश च मूवी लिखी है जिंदा ना की है भला? मेरी फिल्म का नाम है ठाकुर का खड़ा। आपको मेंबर एंटी करप्शन पंजाब भी बना दिया गया है जी। यूजुअली जब इस किस्म की कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी हुकूमती जिम्मेदारी होती है, तो इंसान का कोई बैकग्राउंड होता है। बिल्कुल। तो आपका मेंबर एंटी करप्शन पंजाब बनाया गया, तो आपका बैकग्राउंड या कोई एक्सपीरियंस पहले जो है वो करप्शन में रहा या एंटी में रहा है? ना जी, एंटी में रहा ना करप्शन में रहा। तो फिर आपको क्यों बनाया उन्होंने? नहीं, उसमें बात ये होती है, अगर ये क्राइटेरिया आप लेंगे तो फिर तो हर बंदा जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा जिसका पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ के। हाँ। और इसका रेलेवेंस इस तरह है कि ये एक अलहदा से बॉडी है जो एंटी करप्शन की हेड करते हैं, डीजी एंटी करप्शन। अच्छा। हम लोग सीएम साहब के अंडर 3 मेंबर्स होते हैं पूरे पंजाब में जो इसको ओवरलुक करते हैं चीज़ों को, कि उसके मीटिंग्स होती है मंथली, उसमें हम देखते हैं कि किस किस जगह पर क्या क्या बेहतरी आई है और क्या कार्य है उसके लिए। यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस। क्या क्या बेहतरी आई है एंटी करप्शन पंजाब में? इसका एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जी, कभी टाइम होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। हर डिपार्टमेंट में इतना पहले कभी फाल नहीं था एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जितना अब है, और जितने हमारी ये ज़्यादा होती थी ये जो लोकल लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स, पब्लिक हेल्थ हो गया और इस तरह के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन थी। अब माशाल्लाह जो है पिछले साल में हमारी तकरीबन 1.5 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। रिकवरी की रिकवरी आप जो ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट ने की। पाने ने पैसे तुसी कठे कर लेते साढ़े डैम वाले वापस कर दे। डैम फंड का आसानी से बनाया, सबका चीफ जस्टिस साहब ने बनाया थी अकाउंट। ये जो सरकारी महकमों में जो होती है करप्शन, अगर इसके कोई शख्स गुजर रहा हो तो वो आपसे रुजू कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, एनी टाइम। तो ये आप सुन लीजिए सारे, इनकी शक्ल भी पहचान लीजिए, नाम भी लिख लीजिए, कि कोई भी आपको सरकारी महकमों के अंदर अगर कोई करप्शन का कोई, अब तो बड़ा ईजी है सर, आप देखिए आप कहीं पे हो रहे हैं, हर किसी के पास जो है स्मार्ट मोबाइल, आप वीडियो बना लें, आप किसी रिकॉर्डिंग कर, वीडियो मार पड़ती है फिर नहीं, अगर उनको पता चल जाए कि उनकी वीडियो बन रही है तो फिर बड़ा मारते हैं। बशर लुकमान ने वीडियो बनाई थी
अब टिकटॉक वीडियो की बात नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, ये करप्शन वाली वीडियो है। ओके नो प्रॉब्लम ब्रो, कैरी ऑन। तुम तो फंस ही गए हो यार मुबशर लुकमान पे। मेरे प्राण सर, ये बताएं ये क्या मामला है सर मुबशर लुकमान वाला? ये उनका पर्सनल है मेरे ख्याल से। फवाद चौधरी साहब और मुबशर लुकमान की आपस में पहले भी दोस्ती भी बड़ी थी। अच्छा, अब नो क्या हुआ उनके दरमियान? उन्होंने इंज मच्छर मारने लगे सी ते फवाद जो से उन्होंने मुंह आगे करता। एक बात ये ज़रूर करूँगा कि जैसे हम लोग पॉलिटिशन जो होते हैं, कल भी असेंबली में बात हुई थी कि हम लोगों का ये नहीं होता कि यार अगर किसी के पास प्रूफ है वो लेकर आ जाए। अब किसी के बारे में आप ब्लो द बेल्ट बातें करें और आपके पास प्रूफ भी ना हो तो इट डजंट लुक नाइस। हाँ, फिर भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए बिल्कुल, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रही हैं। आप मुझे बताएं, मैं तो अदाकारा हूं ना। आप अदाकारा हैं मगर वो जो जर्नलिज्म की डिग्री आपकी इतनी महंगी लेके दी घर वालों ने, वो उसका क्या किया आपने? नहीं मैंने वैसे डिग्री, आप कोई ख्याल ही कर लीजिए आप। अच्छा, आई ऑनेस्टली अपने को फैमिली बैकग्राउंड को इंसान मद्देनजर रखता है। आप क्या कर रही हैं? मैं ट्विटर से हट गई हूं। आप यानी कि ट्विटर के ऊपर रिलाय करती हैं खबरों के लिए? आपके अब्बा जी की चिड़िया अल मशहूर पाकिस्तान की वो आपके क्या खिड़की पे आके नहीं चहचहाती? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या सिर्फ रजम साहब की खिड़की की तरफ ही जाती है? वो तो आप उनको बुलाकर पूछ। मैं इसलिए आपसे पूछूंगा, जहां तक मेरी रसाई है मैं वहां तक ही जाऊंगा। वो तो आपने पूछा ही नहीं अब्बू से कि क्या इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैंने ऑनेस्टली मिस कर दिया ये इंसिडेंट। मैं मिस करने वाला ही था, इतना फॉलो करने वाला था। नहीं अब आप करवा देते हैं फॉलो तो हम क्या करें, मगर आप जाके अब्बा से। वैसे आपकी कोई मुलाकात हुई है इनके वालिद साहब से? नहीं मेरी कभी नहीं हुई। इनकी मेरी वालिदा से हुई। इनकी वालिदा जो है वो हमारी कुलीग है। बिल्कुल, वो तो आपके साथ पंजाब असेंबली के साथ होती रहती है। अच्छा वाह वाह वाह, तो यानी कि आपकी वालिदा से हुई हुई है? जी बिल्कुल। देखा आपने, बड़ी दबंग खातून है, बहुत माशाल्लाह है ना। कोई पार्टी ज्वाइन की उन्होंने अभी तक या नहीं की है? नहीं नहीं उन्होंने नहीं, नहीं की। अभी तक वैसे ही वो इंडिपेंडेंट सीट लेके इंडिपेंडेंट ही है। उन्हें कहीं क्या फायदा है, किसी की मदद ही कर दें। लेकिन उन्होंने हुकूमत को वोट तो दिया था जी। वो हर ऐसे मौके पर जब हमें कोई जरूरत होती है तो माशाल्लाह ठीक है, सी काइंड एनफ, वो काफी हेल्प। लेकिन मैं करप्शन के हवाले से एक अच्छी चीज कहना चाहूंगी जी, जो जी। क्योंकि अभी बिलाल जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने ना हमने कराची में एक जगह लेनी थी क्योंकि हम शिफ्ट कर गए हैं कराची, तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनको चाहिए होता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को। तो लाहौर वो गए, थाने गए और उधर उन्होंने सारा किया टू शो कि ही हैज नो पास क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो हो गया सारा, उनको पेपर वर्क भी मिल गया। दूसरे दिन उनको फोन आया थाने से कि आपका सारा काम हो गया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो गया। उन्होंने कहा कि कोई उल्ट पुल्ट चीज तो नहीं हुई, आई आपको कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी? बेसिकली दैट वाज द मैसेज। एंड बिलाल सेड नो नॉट एट ऑल, एंड दे सेड जी बस ये पता करना था, थैंक यू सर। अच्छा, आई वाज सो इंप्रेस्ड कि उनको फॉलो अप कॉल आई कि आपको कुछ 200 रुपए से ज्यादा जो मेरा तो ये तो फिर यानी कि पीटीआई की हुकूमत ने इस तरह से कहते हैं पंजाबी कने फटियां बांध दी हैं। उन्होंने एक चीज नहीं की थी, लाहौर कूड़ा बेशुमार हो गया। लाहौर में कूड़ा बेशुमार हो गया, बहुत ज्यादा पिंक पर्पल ब्लू कूड़ा बहुत है। ब्लू पर्पल और ब्लू कूड़ा बहुत, मतलब ब्राइट प्लास्टिक का कूड़ा। हर जगह मैं जाती हूँ मुझे ब्राइट कलर्स में ना कूड़ा नजर आता है। लेकिन खुश हो गए बाद में, वो जगह आपके हस्बैंड ने ली है जी। उन्हें कहिएगा ना आपका ब्रदर इन लॉ दो प्लॉट मांग रहा है। दीवानी न ये हुक्मरानी, नजरिया तो मंजूर सबके अलग है कुछ मुश्तरक तो सिर्फ बेईमानी। हो इजलास या टीवी का टॉक शो हो सुबह शाम होती है बस बदजुबानी। What's your name? My name is Fabulous John Ferry. I'm from United States. All right, Fabulous John Ferry. Yes. Not Kerry. I love Pakistan. Oh. It's a char mausam ne. Mere waste te oh vi azab. वेलकम बैक टू मज़ाक रात। मीरा ये बताएं, वो भी क्या सहाफत से ताल्लुक रखते हैं या अदाकारी? नहीं, आप उनको जानते हैं, आपने उनके साथ एक प्ले किया हुआ है। यानी कि अदाकारी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, लेकिन मुझे बता रहे थे आने से पहले कि जब वो लम्स में होते थे। अच्छा, या शायद उससे पहले उन्होंने आपके साथ एक स्टेज का प्ले किया है। ऐसी बातें भूल जाया करते हैं, 20 साल पहले किया था उन्होंने। बिल्कुल, मतलब आपने ऐसा ही इंसान ढूंढा कि जो मुकम्मल तौर पे एक काम नहीं करता। उन्होंने भी अदाकारी में पैर गीले किए हुए हैं। तो एकेडमिक हैं, उनका पीएचडी है, मतलब पीएचडी है उनका जी। ओए होए होए होए, पीएचडी मतलब पता है? हां जी, फिरा हुआ दिमाग। उन्होंने आपका काम देखा हुआ अदाकारी? उन्होंने मेरी अदाकारी कुछ देखी है जी। और क्या ख्याल है उनका? आई थिंक वो कहते हैं अच्छा है। अब तो मजबूरी है उनकी, पहले देखा था उन्होंने जी। उन्होंने मेरा प्ले देखा है अभी।
جو میں نے یہ زیا صاحب کے ساتھ کیا ہے، اچھا بہت پسند آیا۔ تو کیا وہ آپ کی اداکاری سے متاثر ہوئے تھے یا آپ ان سے پوچھے؟ نہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا۔ دونوں سے شاید، آئی ڈونٹ نو، دونوں سے شاید ہوئے تھے۔ مامون صاحب، آپ کی شادی کتنے سال ہو گئے؟ جی 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان سے شیئر کرنا چاہیں گے ایکسپیرینس؟ 10 سال ہو گئے تھے شادی نہیں، اسی لیے سن ہوئے پے جب کیا ایسے ہے مامون کے 10 سال بعد انسان سن ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ میرے خیال سے ہر بندے کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ یہ نو ڈاؤٹ بڑا اچھا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور آپ نے کرنا ہوتا ہے، نبھانا ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز اوپر نیچے۔ سر 10 سال تو بعد ہار جانا نا، میری بیوی مجھے مل دی، نہیں لگتا میرا بڑا بھرا کھلوتا ہے۔ انہوں نے پہلے سال ہی پائی لگن لگ پے سن، یہ جی دکھ نہ بول دے پے۔ کوئی عجیب و غریب کچھ نہر سے ڈوبری سی، میں بچایا کہ میں تیرنا ہی ویاہ کرنا، لیکن ارینج بھی تھا، لو بھی تھا۔ اچھا، اب آپ ان سے بھی یہ سوال پوچھیں؟ جی دوسری بھی دس دستے ہو پھر۔ جی لو تھی، لو تھی۔ اچھا، اور پھر کڑی نے پوچھن دو نا، تو اسی کو پوچھ کیا ہوا؟ کتنی بار لو ہویا؟ چلو میں اے پوچھ لینی۔ ایک بار انہوں نے لو والی کی، پھر انہوں نے ایک بار ارینج والی کی، پھر انہوں نے ایک بار کہا کہ اب دونوں نہیں کروں گا، تو انہوں نے تینوں سکول آف تھاٹس جو تھے وہ دیکھ لیے۔ اس میں میں انہوں کو تنگ نہیں جنہ تہاڈے۔ What are you? You know, today I was very hungry whole day. Why? Breakfast ہی نہیں میں کیتا۔ کیوں؟ گرمیاں تے گرمیاں، سردیاں بھی میرے پاس اون جی نے۔ آئے ہائے، گرمیاں چ بجلی نہیں آندی تے سردیاں چ گیس نہیں آندی۔ اوئے ہوئے، ایک تو گیس کا پریشر کم، اوپر سے بارشیں چھما چھما، تو میری زندگی تے جبیرن ہی ہو گئی، اجیرن ہو گئی۔ Yes, so I went to the LPG دی دکان تے گیا۔ اچھا، میں کہا سلنڈر مینوں پا دیو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پیسے دے۔ ہاں، میں کہا انہیں پیسے تے پہلے نہیں لگ دے؟ کہندے نے دس از دا الیگل۔ تے میں مہنگی دے رہے سن، میرے کو پیسے نہیں سن، پھر میں پکھن پانا ہی سارا دن گزارا۔ سو میں کہ تانوں جا کے دسا، ہو سکتا تانوں رحم آ جائے۔ نہیں، میرے پاس پیسے تو نہیں۔ نہیں، میں صرف بریک فاسٹ کرنا، کہ کافی تو بغیر میری اکھیں نہیں کھلیں۔ ارے بھائی، یہ رات کو میں تمہیں کیا کافی پلاؤں؟ نہیں، اکھاں تے کھل جان گیا نا۔ اچھا، میرے پاس نہیں، تم پیسے گیس سے ٹرائی کر لو۔ او ٹانگا لاور دا ہوے تے پاویں چنگ دا، ٹانگے والا خیر مانگے جا، او ٹانگے والا خیر مانگے جا، پاویں لاور دا ہوے تے پاویں چنگ دا۔ ریلیز ہو رہی نے ایوری فرائیڈے، باجی ہوئی بھی ایکٹریس نے۔ جی، اور شی از سو نائس۔ اچھا، تے بھائی جان کتھے آئے نے؟ پولیٹیشن ہے، ایم پی اے۔ اور دس از دا پی ٹی آئی؟ یس، دس از دا پی ٹی آئی۔ آئی لو پی ٹی آئی۔ عمران خان صاحب کی جدوں دی حکومت آئی ہے، حکومت آئی ہے، پاج حکومت آئی ہے، حکومت آئی ہے، حکومت آئی ہے، تو ہلکے پھلکے پھکے ہی مار رہے ہیں۔ واٹس یور نیم؟ مائی نیم از فیبلس جان فیری، آئی ایم فرام یونائیٹڈ سٹیٹس۔ آلرائٹ، فیبلس جان فیری، یس، ناٹ کیری۔ آئی لو پاکستان۔ ایتھے 4 موسم نے، میرے واسطے تے وہ بھی عذاب ہی۔ 5 موسم نے، آلودگی دا اپنا موسم ہے ایتھے۔ یس، میں تے اتھوں چھڈ کے ایتھے آیا سا، میں کہ موسم انجوائے کراں گا، بٹ کتھوں؟ او ججوں آئے گا عمران، سب کی جان بنے گا نیا پاکستان، او بن گیا نوا پاکستان، او بن گیا، او بن گیا نوا بن گیا نوا پاکستان۔ پی
ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮੇ ਸਾਥ ਤੇ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਨਕਾ ਯਹੀ ਪੇ ਹੈ ਬੈਗ ਗਾੜੀ ਮੇ ਹੈ ਗਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਧੋਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ویلکم بیک ٹو مذاق رات ممون آپ کو ہے کوئی انٹرسٹ فنون لطیفہ سے کوئی نہیں کوئی خاص کوئی دیکھنے کی حد تک بھی ہے یا وہ بھی نہیں ہے پلیز وغیرہ کبھی لگے ہوں تو دیکھ لیا گھر والے دیکھ رہے ہیں اور گزرتے پھرتے آپ کی نظر پڑ جائے پڑ جائے ویسے ہی ہے تو کوئی لاسٹ یاد ہے ڈرامہ کوئی دیکھا ہو ابھی ریسنٹلی تو کوئی نہیں دیکھا سال دو سال سے اس سے پہلے دیکھے ہوں گے اس سے پہلے کس کو پسند کرتے تھے نعمان اعجاز صاحب کو اور ایکٹریسز کے اندر مائرہ کو مائرہ خان ٹھیک ہے اور فلمیں وغیرہ دیکھتے تھے یا فلمیں نہیں دیکھتے کوئی نہیں کبھی کسی زبان کی بھی نہیں دیکھی نہیں کسی زبان کی ہالی ووڈ کی دیکھ لیتے ہیں لیکن پاکستانی موویز ایک آدھی کوئی اچھی آئی تھی وہ دیکھی تھی اب مجھے نام بھی یاد نہیں اس ٹائم فرینک ہالی ووڈ میں کون پسند ہے آپ ہالی ووڈ میں میل گبسن اچھا میل گبسن اوئے ہوئے دیکھیں اولڈ سکول وہ بھی بریو ہارٹ ٹائپ کا بالکل وہ اس طرح کے ایکٹرز پسند ہیں وہ تب دیکھتے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے اس کے بعد ٹائم وہ پھر میں ٹائم کہوں گا پھر آپ میری کٹ لیں گے کہ پولیٹیشن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن وہ یہ ہے کہ فرینکلی ہم لوگوں کے پاس نہیں ٹائم ہوتا ہم لوگ سارا دن جو کر کے آتے ہیں پھر رات کو یار کیا کرتے ہیں جب آپ جاتے ہیں کوئی بیچ میں کوئی گانا تو بندہ ویسے ہی سن لیتا ہے ویسے ہی کوئی موسیقی گانا تو میں بھی گاڑی میں سن لیتا ہوں کس کو سننا پسند ہے نصرت فتح علی صاحب کو نصرت فتح علی خان صاحب کو اچھا جگجیت سنگھ کو سنتا ہوں اچھا اور اس طرح کے گانے مجھے پسند ہیں جگجیت سنگھ غزلیں انٹرسٹ آپ کا لگ رہا ہے بہت زیادہ ایک کلاسیکل قسم کا ہے اور اسی طرح عبدہ پروین کو بھی سنتے ہیں میرا اپنا ایک چار بندے کا شوق ہوتا ہے یہ جدید اور کے جو گانے ہیں یہ نہیں سننے آپ نہیں یہ مجھے نہیں پسند کوئی وہ ایسے گانے ہوتے ہیں کہ میرے خیال سے ایک دفعہ سنیں دوبارہ سننے کو دل نہیں کرتا میرا اپنا خیال ہے لوگ سنتے بھی ہیں ان کو جو ہنی سنگھ کا یعنی کہ کوئی آپ کو علم نہیں ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں آپ بھی اس قسم کا ٹیسٹ رکھتی ہیں یا آپ کوئی جدید دور میں ہیں جدید دور کے ہم زیادہ سنتے ہیں اب تو ظاہر ہے کیا آپ آج کل میرا بہت فیورٹ ہے وہ جمی خان کا ہائے دل بیچارہ اچھا اوف میں میرا ریپیٹ پہ وہ چل رہا ہے آج کل اب آپ کیوں سنتی ہیں اب تو آپ کی شادی ہو گئی اب میں گانے نہیں سن سکتی کیا نہیں ہائے دل بیچارہ کیوں سن رہی ہیں بار بار مطلب کوئی اور گانا سن لیں دیسا دا راجہ کوئی آپ سنیں ریپیٹ کے اوپر اپنے بھائی کے گانے سنیں آپ وہ میں سنتی ہوں ویسے آپ کو سننے کا شوق ہے گاتی بھی ہیں نہیں یار میں گاتی نہیں ہوں وہ جو جین تھی وہ میرے میں آئی نہیں اور سکپ کر کے پوری علی میں چلی گئی تو آپ نے کبھی کہا نہیں ان سے کہ آپ مجھے بھی سکھا دیں تھوڑا نہیں نہیں کہا انہوں نے کبھی آپ سے کچھ کہا کہ مجھے کوئی ایکٹنگ سکھا دیں نہیں کبھی بھی نہیں وہ تو پینٹنگ بھی کرتے ہیں آئی تھنک ہی پینٹس ایز ویل ہی یوزڈ ٹو وین ہی واز آئی تھنک اور جب چھوٹے تھے او لیولز اے لیولز میں پینٹنگ کرتے تھے اچھا آپ نہیں کرتے آپ کے اندر یہ والی جین نہیں آئی نہیں مطلب آپ نے صرف صحافت ہی لی ہے نجم سیٹھی صاحب سے نہیں آپ ہمیشہ مجھے صحافت میں وہ جکڑتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈگری میں پیسے جو اجاڑے ہیں سیٹھی صاحب کے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بار بار انگلش لٹریچر انگلش لٹریچر تھی مگر اس کے بعد آپ نیو یارک ٹائمز یا کچھ اس طرح بھی کرنے وال سٹریٹ جرنل میں وال سٹریٹ جرنل کوشش تو کی نا آپ نے آگ لگائی پیسوں کو نا وہاں پہ انہوں نے مجھے پیسے دیے میں نے تو تھوڑی ان کو ہاں تو گئی تو نا یعنی کہ آپ صحافت سے آپ نے جڑنے کی کوشش کی نہ آئی چڑیا آپ کے ہاتھ یہ الگ بات ہے لیکن آپ نے ٹرائی پوری کی تھی دل نہیں لگا میرا ادھر دل نہیں لگا آپ کا ویسے بڑی ایک ویریڈ فیملی ہے میں والد صاحب جو ہے وہ صحافت کے اندر بھائی سنگنگ کے اندر والدہ جو ہے وہ اب جا کے پولیٹکس صحافت اور پولیٹکس کے اندر آ گئی ہیں اور یہ دیکھیں ایکٹنگ کی سائڈ پہ نکل گئی ہے گھر دے وچ میٹھے چولاں دی دے پکی ہے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کس چیز میں پی ایچ ڈی کر کے کیا اکنامکس میں اکنامکس میں چلیں اکانومکس بھی آ گیا ایک بیچ میں خاندان کے کوئی نارمل انسان ہے آپ کے گھر کے گرد و نواح میں پایا جاتا ہو جو کچھ نہ کرتا ہو ان چاروں چیزوں میں سے چوکیدار ہے جی نیند گولی کھا کے ستا سویرے 7 بجے اچھا 11 بجے ٹلی 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 بڑا میں اوائڈ کیتا ہے پر میں کہ ویکھ تے صحیح بھی کون لاڈلا جڑا بجائی جاندا ٹلی فون چکیا میں کہ ہیلو کوئی عمران خان صاحب ہیں جی سر ترا نکل گیا میرا اوئے ہوئے میں فٹافٹ میں کہ جی سر مینوں کو کہندے نے عثمان بزدار میرا فون نہیں چک رہا ہیں جی سر او میں کہ سر ویکھو تے صحیح 9:10 بج گئے نے
असेंबली होने ने मैनू कहंदे ने निर्गोली साहब पढ़दे ना पाओ छे महीने तो असेंबली च गए ही नहीं मैं क्या सर मैं तो रोज असेंबली के गेट से छड़ के आना मैनू कहंदे ने गो टू द पता कर अच्छा अंदर मैं बुजदार साहब नु कॉल मारी खास नंबर ते पहली टी चुक लिया बुजदार साहब तुहानू मैं असेंबली छड़ के आया किथे हो कहंदे ने मैं असेंबली के पिछले गेट के नाल मूंगफलियां ली रेहड़ी के कोल बैठा मैं क्यों उत्थे बंक ला के बैठे हो अंदर कहंदे ने शोर बड़ा आंदा अच्छा भाई उत्थे किसे दी सुनदा ते है कोई नहीं हाँ। ते मेरी खास तौर ते घूरी घट पाया करो ठीक है क्योंकि तुहाडी घूरी दी कई ते डायमेंशन्स होंदियां ने हर किस्म दी घूरी ते अलग होंदी है बिल्कुल ओह कहंदे ने फिर मैनूं घूरी दी समझ नहीं आउंदी अच्छा ते मैं कहिंदा हल्का हाथ रख्या ओहो रिकॉर्ड हो गया हाँ थोड़ा यार ये चलाना ना तुहाडी बड़ी मेहरबानी है ये बड़ी खास गल है अंदर दी गल है मसला ये है कि मैं कटवा भी दूं उनकी पार्टी के यहाँ पे बंदे लेकिन माशाल्लाह आपदा बात जाफर साहब लव दिस गाय ओह रियली मेरे को 5 करोड़ रुपया हो मैं फिल्म बनावा हीरो मीरा सेठी साहिबा बड़े इन्होंने ड्रामे किए ने मेरे नाल पहले मैं भी ड्रामे च काम करता सा ना आप भी करते थे मैं 2-3 दिन किया अच्छा फिर लोगों ने मैं एप्रीशिएट किया अच्छा साइड ते ले जाके माशाल्लाह बड़े ड्रामे किए ने लेकिन दिल फरेब जो ड्रामा किया ना हाँ। देखो ना फोटो जैनक फेस घट ही होंगे जिस तरह मेरा है नहीं थोड़े मेरे फेवरेट गुलुकारा ने अदाकारा भी ने माशाल्लाह गुलुकारा भी ने लिख भी लेंदे ने जी हाँ जी ते इजाजत है सर प्लीज जाओ जनाब जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुजदार उस्मान बुजदार कोई खास वजह मेरा डायरेक्ट बॉस है जी मैं उसको दूंगा ओए होए डायरेक्ट बॉस को लाइफ जैकेट मिल गई है वेलकम बैक टू मज़ाक रात जी अजीबो गरीब क्या है जी आज की अजीबो गरीब खबर ये है कि अमेरिका में एक 17 साला लड़की ने एक प्राइवेट जेट चोरी करने की कोशिश की लेकिन जहाज उड़ाने से पहले ही पुलिस ने उसे रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया अकरम भाई और रनवे थे अपनी गलती थी वो तो फटी गई क्यों और जहाज के बंद होया बारिश मुंह कड़के काल होना चोर नहीं थी उतो की कोई टिकटॉक स्टार होनी है हो सकता इतों की हो सर 2020 का सेगमेंट है आपसे सवाल पूछूंगा 7 ऑप्शंस दूंगा आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में जा सकते हैं ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा गो फॉर इट ओहो उन्होंने आपको आगे कर दिया उन्होंने कहा पीटीआई आगे होगी आज जरूर जी सर बता दीजिए फिर किसी वजह से खान साहब नाराज हो गए इनमें से क्या करेंगे उनको मनाने के लिए स्माइली फेस वाला इमोटिकॉन भेजेंगे खुद जाकर उनको इन पर्सन कोई जोक सुनाएंगे या फिर धरने वाला डांस ट्राई करेंगे मेरे ख्याल से इन तीनों चीजों से नहीं मानेंगे नहीं मगर इनमें से आपने चूज करना है अगर करना पड़े तो मेरे ख्याल स्माइली वाला फेस भेज दो स्माइली वाला इमोटिकॉन भेजेंगे खान साहब को ठीक है खान साहब ने अगर सिर्फ क्या भेजना कंटेनर पे जाके कोई रौनक क्यों नहीं लगाए चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस शटल के अंदर 2 सीट्स हैं एक आपकी अपनी दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन चांद से वापसी पर उस 7 वाले शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है अच्छा इनमें से किन को चांद पर लेके जाना चाहेंगे अपने साथ ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी
फयाजुल हसन चौहान साहब को ले जाते। बहुत अच्छा आपने चुना। फयाजुल हसन चौहान साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। टाइटैनिक देखी हुई है ना आपने? जी देखी। कितनी बार? एक दफे देखी। इन्होंने तो इन्नी देखी है पानी घर वड़ गया सी। अगो कढ़न वास्ते आए सर। लीजिए फिर टाइटैनिक पर जाने का वक्त। दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जा सकते हैं। इनमें से किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी, महवेश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान। कोई खास वजह? मुझे अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, तो उनको लेके जाना चाहिए। टाइटैनिक का मकसद ये नहीं कि डूब जाएंगे साथ? नहीं, उसमें वो ये है ना जी, टाइटैनिक का मेन मकसद तो कोई और है, डूबना ना डूबना तो बाद की बात है। तो ये आप गलत रीड कर रही है। मैंने गलत रीड सारा देखे, एक बैरी जहाज का सफर है, यहाँ पे रहिए आप। टाटा सारा कॉन्फिडेंस शेख रशीद आ जाए। सर ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज तस्वीर पर पड़ेगी, वो तस्वीर इनमें से किसकी देखना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल से जरदारी साहब। जरदारी साहब की तस्वीर? वाह वाह वाह, ठीक है। वो एक थोड़ा बहुत उनमें एक चीज मुझे जो पसंद है पर्सनली, वो ये है कि उस बंदे को जेल से डर नहीं लगता। अच्छा, मतलब ये उस बंदे की मानी है जो ये नून लीग वाले पॉलिटिशियंस है, जेल को देख के वैसे ही दूर से भाग जाते हैं। अच्छा, वो कम से कम अगर उसने गलत काम किया तो जेल जो अंदर बड़े खुशी से रहता है, तो दलेर आर्मी है तो उसकी लगाएंगे। सर डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा देख के आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट ममून आप इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शन आपके पास जो है वो है जनाब जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार। कोई खास वजह? मेरा डायरेक्ट बॉस है जी, मैं उसको दूंगा। ओए होए, डायरेक्ट बॉस को लाइफ जैकेट मिल गई है। वाह वाह वाह। जी मीरा जी, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, इनमें से किसकी होगी वो जायंट साइज तस्वीर जिसको रोज सुबह उठ के मीरा सेठी देखेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान खान और इमरान हाशमी। इमरान हाशमी कौन है? एक इंडियन एक्टर है। अच्छा, तो फिर ठीक है, इमरान हाशमी। इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं देखना चाहती, इमरान हाशमी की तस्वीर देखना चाहती हैं। ये बताइए फिर, चांद पर जा रही हैं स्पेस शटल, दो सीटें, सात वाली सीट पे लेके जाएंगी, वापस वो शख्स नहीं आ पाएगा, किसको लेके जाना चाहती है और वहीं छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी और अली जफर। मुश्किल काम हो गया। जनरल नॉलेज के ऑप्शन मौजूद है आपके पास हमेशा। हाँ, लेट्स गो टू जनरल नॉलेज। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं? पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? अच्छा, कौमी मिठाई भी है जी। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मैं कहूँगी लड्डू। नहीं, आप चाहें तो अभी भी जवाब पे जा सकती हैं। वापस चली। हाँ, वापस चली जाती हूँ। वापस जाना चाहेंगी तो बताइए किसको लेके जाना चाहती है चांद पे ताकि वापस ना आ सके? अली जफर आई गेस। अली जफर साहब आप जाएंगे चांद पर इनके साथ, लॉन्ग फ्लाइट 13-14 घंटे जी। सैन फ्रांसिस्को जा रही हैं आप। वाह, सात वाली सीट थी खाली, कुछ लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं। ठीक। इनमें से किन को अपने साथ आप बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, कायम अली शाह और डॉक्टर आमिर लियाकत। ओह माय गॉड, फिर डॉक्टर कायम अली शाह। डॉक्टर कायम अली शाह। मिक्स कर दिया। एक नई वर्जन बताइए, आज तक किसी ने की थी? डॉक्टर कायम अली शाह, क्योंकि कायम अली शाह साहब जान के नाल डॉक्टर भी जरूरी है ना। मगर बताइए, कायम अली शाह। ठीक है मैडम, ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, वो दूसरे वीआईपी पास पर किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब परवेज खटक। मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि वो बहुत फनी है। मौलाना फजलुर रहमान टाइटैनिक पर बहुत फनी है। बहुत फनी है, ये ठीक कह रही। ये भी एक रुख है, देखे उनका अपना अपना एंगल है, उनको अगर लगते हैं। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा देखे आप किसी की भी जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो, मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब इमरान खान। दिस इज डिफिकल्ट। एक खातून भी है बीच में। आई नो, लेकिन मुझे बिलावल, मुझे बहुत स्वीट लगते हैं बिलावल, तो लेकिन चले मरियम है, फाइनल कर ले। नहीं अब मरियम, क्योंकि आपने फिर वो कह दिया कि एक औरत। नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा, मैं तो शेड़ा था, आपकी मर्जी है। देखे कौन, मोहतरमा मरियम नवाज को गई? मरियम ले जी, मोहतरमा मरियम नवाज साहब आप लाइफ जैकेट ले गई हैं, जबकि वोट भुट्टो साहब को पड़ा था और खान साहब को आपने बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई है। ठीक है, ये मामला जो है वो
बहुत आगे जा चुका हुआ है, इसलिए हम खत्म करेंगे. मामून थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. मीरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू सर.